मंत्री अगर थोड़ी सी इंसानियत है तो उसको नैतिकता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, बात हर आदमी इस्तीफा पड़ना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे लेना चाहिए। इससे हरियाणा प्रदेश की सरकार की जो है बहुत फलीती हुई है, बहुत लोगों का विश्वास सरकार से उठा है। सरकार के एक मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं यौन शोषण के, और उस मामले में अब जब चार्जशीट सामने आई है तो उसमें कई अहम खुलासे हैं कि किस तरह से मंत्री कई जगह झूठे पाए गए और उन्होंने पुलिस की जांच को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री जो है उनके साथ खड़े नजर आए। साफ तौर पर दो बार ऐसा कहा कि इस्तीफा नहीं लेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, सूबा किस तरह से देखता है? मंत्री अगर थोड़ी सी इंसानियत है तो उसको नैतिकता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ आरोप तय, आरोप तय होने के बाद हर आदमी इस्तीफा पड़ना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे लेना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री किस वजह से इस्तीफा नहीं ले रहा ये तो मुख्यमंत्री बताए, लेकिन इससे हरियाणा प्रदेश की सरकार की जो है बहुत फलीती हुई है, बहुत लोगों का विश्वास सरकार से उठा है, खास करके हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो अच्छे मेडल लाने वाले हैं, जिनके माँ बाप अपनी बेटियों को ट्रेनिंग के लिए भी भेजते थे, अब वो इस बात से सहमत हैं। अब उन्हें इस बात का डर है कि हमारी बेटियां को अगर हम भेज भी देंगे तो पता नहीं वो कैसे सुरक्षित रहेगी। हर जगह इस किस्म के दरिंदे हैं जिनको सरकार संरक्षण कर रही है। मुख्यमंत्री ने नाम तो दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस किस्म का उसका स्टैंड है उससे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री को कहीं थोड़ा सा बेटियों से सुनता है। मुख्यमंत्री को इस पद पर रह करके इस तरह की छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए चुनाव को अब कम समय रह गया, बस दो सवाल और हैं। अगर बात करें कांग्रेस की, कहीं ना कहीं वो तेजी तो कर रहे हैं, ऑब्जर्वर आ रहे हैं और कांग्रेसी नेताओं के बीच बैठ के कर रहे हैं, लेकिन लगता है उसका कुछ उल्टा ही असर हो रहा है, और जिस तरह से गुटबाजी और ज्यादा उभर कर आ रही है, बल्कि शिकायत करने भी कुछ नेता दिल्ली गए हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस वालों से पूछो मैं क्या कहूंगा, इसके मेरी पार्टी है नहीं, आपका विपक्षी दल है, उनसे पूछो जाकर के भी तुम क्यों लड़ रहे हो जी, वो बताएं। चलिए अगली बात करते हैं, हरियाणा परिवर्तन यात्रा जो थी पदयात्रा, उसमें आपने 2000 से ज्यादा जो गांव है पूरे प्रदेश के, पहले चरण में आपने उनके बीच में गई, लोगों की नस टटोली की, किस तरीके से अब सरकार के प्रति उनका क्या रवैया है, कितने संतुष्ट है सरकारी कामकाज से, और जो गठबंधन सरकार है क्या कुछ देखने को मिला, किसका कैसा मिला? लोग सरकार को बदलेंगे, लोगों ने फैसला कर लिया हमें परिवर्तन करना है, परिवर्तन आएगा और 1987 दोहराएगा इंडियन नेशनल मतलब हर हाल में परिवर्तन है जी। तो साफ तौर पर कहा है अभय सिंह चौटाला जो कि नलो प्रमुख है, कि जिस तरह से लोगों के बीच गए, लोगों की जो दबी हुई जो इच्छाएं हैं वो इनके सामने खुलकर आई हैं, कि वो लोग अब सरकार बदलने के मूड में नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ हरियाणा तक के लिए उमंग शरण।